अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने फुल फैट उबला हुआ दूध लिया है। तमाम दूध हम कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही गाजर को कश कर लेंगे। मेरे पास मशीन है, अगर आपके पास हाथ का कश हो तो आप उससे कर लीजिए। दूध की और गाजर की मकदार मैंने बराबर रखी है, यानी 2.5 किलो गाजर है तो 2.5 किलो ही दूध है। दूध में हमारे अच्छे से उबाल आ गया है, साथ ही हम तमाम कश की हुई गाजरें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें 2 चमचे देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी डालने से व्यूअर्स इसमें बहुत पकते हुए बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। वैसे अमूमन जब हम हलवा पकाते हैं तो कच्ची सी स्मेल आती है हलवा पकते हुए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें घी डाल दें देसी, तो खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी महक आती है। इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा दूध खुश नहीं हो जाता और गाजर टेंडर नहीं हो जाती। अच्छी तरह मिक्स करें और अच्छे से इसको पकाएं। जी व्यूअर्स, तो हमारे दूध में अच्छा सा उबाल आ रहा है और गाजर भी पकना स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम मज़ीद पकाएंगे और साथ ही इसमें हम शक्कर डाल देंगे। मैंने 200 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा दूध और गाजर का पानी खुश नहीं हो जाता। इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है व्यूअर्स, इसका सारा खेल भुनाई का ही है। जितना अच्छा इसको आप भुनेंगे, इसकी शेल्फ लाइफ उतनी ही बढ़ेगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा दूध का पानी और शक्कर का पानी दोनों खुश्क हो चुका है और साथ ही मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। टोटल मैंने 200 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच पहले डाला था, बाकी का इस वक्त डाल दिया है। इसे बहुत अच्छी तरह से भुनें, इतना भुनें कि इसमें बिल्कुल नमी ना रहे। लीजिए व्यूअर्स, हमारा बेहतरीन सा गाजर का हलवा तैयार है। अब इसको चाहें आप जिस तरह गार्निश करें। मैंने इसको खोए से गार्निश किया था और इस पर मेवा भी डाला था। आपकी मर्जी है आप जिस तरह गार्निश करें। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसको 15 दिन फ्रिज में रख के खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।